और बात असम सरकार के उस फैसले की जिसने यूपी की सियासत गरमा दी है। दरअसल असम में बाल विवाह को लेकर सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये कार्रवाई कुछ नेताओं को चुभ रही है। पहले ओवैसी ने असम की भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और अब सपा सांसद एसटी हसन ने चुभने वाला बयान दिया है। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि भाजपा नेताओं में इस बात की रेस लगी है कि कौन मुसलमानों को ज्यादा खून के आंसू रुला सकता है। लोकसभा का चुनाव है और सबका लक्ष्य मुस्लिमों को एकजुट करने का है। कोई पसमांदा के नाम पर प्लान बना रहा है तो कोई हिंदुत्व के विरोध में मुस्लिम वोट बैंक को एक लाइन में खड़ा करना चाहता है। इस बीच मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने भाजपा पर चुभने वाला हमला बोला। सपा सांसद ने कहा कि इन दिनों भाजपा नेताओं में मुस्लिमों को खून के आंसू रुलाने की होड़ लगी है। दरअसल उनके निशाने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा थे और ये बयान आया बाल विवाह करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने को लेकर। असम के चीफ मिनिस्टर साहब जरूरत से ज्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की होड़ हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज्यादा रुलाए। मगर मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की दिलासाजी लगातार की जा रही है। दरअसल असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इस मामले में सैकड़ों गिरफ्तारियां की गई हैं, लेकिन असम सरकार की ये कार्रवाई मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं को चुभ रही है। एसटी हसन से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए थे। ये जो असम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस है। अपर आसाम में जो लैंडलेस लोग थे उनको पट्टा दे दिया ज़मीन का और लोअर आसाम में नहीं दे रहे हैं, तो ये इनका यही इनकी कारनामे है। और एक बात याद रखिए कि 18 साल में तो हम लोग अलाउ करते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप। दरअसल 24 के चुनाव में मुस्लिम वोटर भी अहम होने वाले हैं। ऐसे में असम के फैसले पर यूपी में भी सियासत गरमाई हुई है। बिजनौर में पसमांदा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे दानिश अंसारी ने सपा की सोच पर सवाल उठाए। देखिए समाजवादी पार्टी जी, इसकी राजनीति केवल हिंदू मुस्लिम पार्टी की जी, और समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक के विकास के विरोधी है, मुस्लिम के विकास के विरोधी है जी। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा मुस्लिम समाज तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यूपी में मुस्लिमों के वोट पर भाजपा की भी नजर है। ऐसे में पार्टी के नेता नहीं चाहते कि किसी भी तरह से मुस्लिम समाज में कोई गलत मैसेज जाए। उधर दूसरी तरफ लगातार पसमांदा समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसके जरिए मुस्लिम वोटर के नजदीक पहुंचा जा रहा है। मुस्लिम बच्चा शिक्षित हो रहा है, सशक्त हो रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है, हमारे मुस्लिम समाज के लोग उद्योग से जुड़ रहे हैं और उनकी जो रैलियों में मुस्लिम समाज को केवल भीड़ बनाने का जो काम करते थे उन रैलियों से निकल के अब मुस्लिम समाज विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन तमाम चीजों से सपा परेशान है, इसीलिए इस तरह के बयान है। भाजपा की पसमांदा रणनीति कितनी कारगर है ऐसे इस बात से समझिए कि रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में भाजपा ने बंपर जीत हासिल की। ये ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिमों की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में अब इसी प्लान के तहत भाजपा अपने मिशन 80 के लक्ष्य को भी पूरा कर लेना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।